अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू सर्विस लॉन्च। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ आज, तो वो है नगेट्स। तो आज बच्चों का दिल चाह रहा था कि मम्मा नगेट्स बना दें, तो मैंने कहा चलो घर में ही बना देती हूँ, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना मैं होममेड खाना दे सकूँ अपने बच्चों को तो वही दूँ, और मैं बाहर के प्रोसेस्ड फूड्स या ये सब चीज़ों से बचाऊँ बच्चों को। लेकिन क्या करें, अब ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं तो मंगवानी भी पड़ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मंगवाती, या कुछ जंक फूड भी खाते हैं बच्चे और प्रोसेस्ड फूड भी खाते हैं, लेकिन कोशिश होती है मेरी कि मैं जितना घर में बना के दे सकूँ और तो मैं दे दूँ उन लोगों को। तो यहाँ मैंने 2 स्लाइसेस ब्रेड के लिए और उनको चॉप कर लिया, अच्छी तरह पीस लिया, और ये देखें ज़रा इस तरह से बिल्कुल पिसा हुआ इस तरह टेक्सचर होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। चिकन तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब ली थी। अगर आप आधा किलो का बना रहे हैं तो उसमें स्लाइस और ऐड कर दें। ये रेसिपी वैसे बहुत इजी सी है, बहुत झटपट बन जाती है और बच्चे इंजॉय भी करते हैं। और अब मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी है और अब मैं बाकी के और इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी इसमें। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, और क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा है तो इसमें ज़्यादा कुछ मसाले वैसे भी नहीं जाते। तो ये मैंने हसरत जायका नमक इसमें ऐड कर दिया है, और अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्चें पिसी हुई। इसमें मैंने तकरीबन 1 पाव के चिकन के करीब था ही गोश्त, तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्चें मैंने ऐड की थी। ये मैंने अंदाजे से डाली है, लेकिन मैंने आपको टीस्पून के उससे भी बता दिया। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर, और ज़ीरा पाउडर टोटली ऑप्शनल है, कुछ लोगों को पसंद होता है तो वो ऐड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। मुझे पसंद है इसलिए मैंने ऐड किया। ये भी तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया था, और इससे ज़रा अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। मुझे ज़ीरा का टेस्ट वैसे ही बहुत पसंद है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्चें। वैसे इसमें जाती है पेपरिका पाउडर, क्योंकि उसकी तेज़ी कम होती है और उसमें ज़रा कलर होता है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें ऐड की। और अब मैं तकरीबन 1/2 से लेके 1 टीस्पून समझ लें सोया सॉस मैंने ऐड किया इसमें, और ये मैंने लहसुन अदरक इसी में मैंने ऐड कर दिया साबुत, ये इसी के साथ चॉप हो जाएगा। आप चाहें तो इनका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं लहसुन अदरक का, या तो फिर आप पिसा हुआ लहसुन अदरक भी यूज़ कर सकते हैं जी। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें चॉप करूँगी, और इस चॉपर से मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, ये मेरे अब्बू अम्मी ने मुझे दिया था गिफ्ट जी। तो अब ये अम्मी अब्बू का दिया हुआ गिफ्ट अब बहुत काम आता है मेरे, और ये असल में दिया तो पहले था लेकिन ये मैंने रख दिया था और कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ यूज़ करने का। तो अब जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई तो फिर मैंने इसको अनबॉक्स किया और मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो बस अब ये काम आता है मेरे बहुत। तो जी यहाँ पे देखें, ये मैं शेप दे रही हूँ नगेट्स को। आप कोई सा भी शेप दे दें, वरना आप इसको रोल आउट करके इसके क्यूब्स में कटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छे से मैं इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल मिक्स किया था जी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया था, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। और ये देखें इस तरह से इसका टेक्स्चर होना चाहिए, तो शेप अच्छी तरह से आएगा, टूटने नहीं चाहिए आपके नगेट्स। तो ये देखें सारे नगेट्स तैयार हो गए हैं। अब मैं अंडे में थोड़ा सा नमक, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी दूध, और ये 3 चीज़ें शामिल करके और फिर मैं इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी जी। तो जो नए आने वाले हैं मेरे चैनल पे, वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखें मैंने अंडा फेंट लिया है, और जी बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर और लाइक भी करें। तो ये देखें मैं अब इसको अंडे में कोट करूँगी पहले, और फिर मैं इसको क्रम्स में कोट करूँगी। बस यहाँ पे नगेट्स तैयार हो रहे थे और बच्चों से इंतज़ार नहीं हो रहा था कि बस जल्दी से बन जाए और बच्चे खाएं इसको, क्योंकि ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। बच्चे क्या, बड़ों को ही पसंद होती हैं, जाहिर सी बात है।
तो बस इसी तरह मैं बस सारे नगेट्स को इसी तरह अंडे में फिर क्रम्स में कोट कर दूंगी। और ये देखें सारे नगेट्स कोट हो चुके हैं। अब ये मैंने ऑयल रखा है गरम करने के लिए। अच्छा, नगेट्स के ऑयल को आप गरम करें मीडियम आंच पे, और मीडियम आंच पे जब ये गरम हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग एक एक नगेट्स डालें। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। और फिर जब एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाए तो इसको पलटें और फिर इसको पकने दें हल्की आंच पे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चिकन कच्ची है तो उसको पकना भी है। तो ये देखें नगेट्स रेडी हो चुके हैं और बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। और अब ये मैं नोश फरमाऊँगी अपने बच्चों को। चलो भाई बैठो। आनू दानू ये आ गए। आनू दानू सलाम करो दोनों। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है भाई? ठीक है। अभी लड़ाई हो रही थी दोनों की और मम्मा से डांट पड़ी, मार भी पड़ी दोनों की। तो देखे बच्चे, ये बच्चे लड़ते भी हैं। और ये आर्यन साहब और दानियल साहब नगेट्स खाएंगे। एक में प्लेट्स ले लो अपनी अपनी। जी तो यहाँ ये लोग रेडी थे नगेट्स खाने के लिए और बच्चों को काफ़ी पसंद आया आज जो मैंने नगेट्स बनाए। तो उम्मीद है आप लोग को भी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उम्मीद है आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो शेयर और लाइक करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आप सब लोग मेरे चैनल का बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो जी तो बस ये छोटा सा व्लॉग था, मैंने कहा चलो ये शेयर करूँ आप लोग के साथ। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिएगा अपने घरों में। और इसी के साथ बस मैं व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।